खेती बाड़ी की हर बात हमारे साथ। जी हाँ किसान भाइयों, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ पूजा। राज्य के गढ़वा जिले में अन्य जिलों के वनस्पति कम बारिश होती है, जबकि खेती का आधार ही वर्षा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से गढ़वा जिले के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50% अनुदान डीप बोरिंग के लिए दिया जा रहा है। इन दिनों अपने राज्य झारखंड में भी ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, वॉक इंटरनल, कीट अवरोधी नेट हाउस के द्वारा संरक्षित खेती की जा रही है। किसान इस विधि से सालों भर बेमौसमी सब्जी उत्पादन करने विशेष लाभ उठा सकते हैं। जब हम किसी फसल का उत्पादन मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाते हुए यानी सुरक्षा प्रदान करते हुए करते हैं तो उसे संरक्षित खेती कहा जाता है। इस विधि द्वारा की जाने वाली खेती में संरक्षित संरचना जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस की आवश्यकता होती है। खासकर सब्जी उत्पादन के लिए उपयुक्त और उचित संरचना की आवश्यकता उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करती है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसान की आर्थिक स्थिति, टिकाऊ एवं उच्च बाजार की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, भूमि का प्रकार सहित कई और कारक भी इस खेती को निर्धारित करते हैं। खासकर अभी के मौसम में अरहर फसल में दीमक और पत्र भक्षी कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। जड़ में लगने वाले दीमक के नियंत्रण के लिए प्रति लीटर पानी में 1 मिलीलीटर की दर से क्लोरोपारीफास का घोल बनाकर जड़ों में डालें और पत्र भक्षी कीटों के नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर क्यूनाल फास प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल का छिड़काव करें। जैसा कि अभी का मौसम है, कभी झमाझम बारिश तो कभी तेज खिली हुई धूप, ऐसे मौसम में फसलों में कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। जो किसान अपने खेतों में अरहर की खेती कर रहे हैं वो पौधों की जड़ों में लगने वाले दीमक से एहतियात बरतें और अरहर की पत्ती खाने वाले कीड़ों को चुनकर पत्तों में बांधकर जमीन में गाड़ दें। इसके अलावा कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव करें। हाँ, वर्तमान समय में खास करके अरहर की फसलों में दीमक का प्रकोप हो रहा है। जो दीमक जो है उसको जड़ों को काट देता है और पौधा सूख जाता है, और कभी कभी किसान भाई देखेंगे कि उसके अंदर में वो दीमक रहता है और चलता रहता है, अपना घर बना लेता है। तो अभी के समय में दीमक का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसके लिए किसान भाई अगर देखते हैं उनके खेत में दीमक लग गया है तो एक क्लोरोपारीफास दवा जो आती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला लें और मिलाने के बाद जड़ के पास उसका छिड़काव करें, उसको ड्रेंचिंग करें ताकि उसे दीमक का नियंत्रण हो जाएगा। झारखंड में उपजाई जाने वाली जड़दार सब्जियों में एक प्रमुख फसल है गाजर। गाजर के पुसा यमदागिनी, नयन टीच और पुसा नयन ज्योति जैसे उन्नत प्रभेदों का चयन बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इनकी उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान इस समय गाजर के बेहतर उत्पादन के लिए पुसा नयन ज्योति, पुसा यमदागिनी और नयन टीच नामक गाजर के उन्नत प्रभेद लगाएं। ये तीनों किस्में संतरी रंग वाली है और इनकी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय सितंबर से ही शुरू हो जाता है। बुआई 45 सेंटीमीटर के अंतराल पर बनी मेढ़ों पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर करें और पतली मिट्टी की परत से ढक दें। लगभग 2.5 से 3 महीनों में गाजर जड़ें निकास के लिए तैयार हो जाती हैं और लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देती है। प्रोट्रे उस कृषि उपकरण का नाम है जिसमें बिचड़ा उत्पादन का काम काफी सुविधाजनक तरीके से किया जाता है। विशेषकर पौधशाला में इसकी काफी उपयोगिता है। इसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं जिसमें बिचड़ों का बीजारोपण किया जाता है। छोटा प्रोट्रे में 50 पौधे और बड़े में 104 पौधे लगाए जा सकते हैं। किसान भाई अगर स्वस्थ सब्जी का बिचड़ा तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोट्रे या प्लास्टिक के ट्रे में सब्जी का बिचड़ा लगाएं। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला प्रोट्रे या प्लास्टिक का ट्रे, दूसरा कोकोपीट और तीसरा केंचुआ खाद। सब्जी बिचड़ा उत्पादन का ये एक बेहतर तकनीक है। एक
किसान की कामयाबी के पीछे उसके कृषि कौशल ज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक किसान है जो फूलों की खेती से अपनी आमदनी को गुलजार किए हुए हैं। इन्होंने अपने खेतों के एक बहुत बड़े हिस्से में गेंदा और गलेडियोलास फूल लगा रखा है और इसमें बेहतर उपज भी पा रहे हैं। आज हम जिस किसान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो अभी अपने खेतों में फूल का फसल लगाए हुए हैं। दरअसल इन्हें पता है कि खाद्यान्न फसलों के अलावे भी कई ऐसे वैकल्पिक और व्यावसायिक फसल हैं जिनकी खेती से अच्छी आमदनी पाई जा सकती है। शहरों में फूल के व्यापारियों से इनका अच्छा परिचय है, इसलिए इन्हें खरीद बिक्री में भी कोई दिक्कत नहीं होती। गेंदा और ग्लेडियोलस फूल की खेती कर रहे ये किसान अपनी पसंदीदा फसल के मुनाफे से खुश हैं और इनका परिवार भी खुशहाल है। हम लोग जो यहाँ से फूल की खेती उत्पादन कर रहे हैं सीधे हम लोग रांची के बाजार में बेचते हैं और लोकल में भी जो है किसान अपने उत्पादन को बेचने के लिए छोटे छोटे दुकान लोकल क्षेत्र में भी 3-4 करके अपना रखे हैं। और जो भी किसान फूल की खेती में जुड़ रहे हैं, फूल की खेती कर रहे हैं, वो सब्जी की खेती को कम कर रहे हैं, फूल की खेती को ज़्यादा कर रहे हैं। सब्जी की खेती की अपेक्षा फूल में किसानों को ज़्यादा इनकम आ रहा है। फूल की खेती एक बार करते हैं उसे जो है बार बार पूंजी नहीं लगता, अपने पास बीज रख लेते हैं, कटिंग करके पौधा तैयार करते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। पिछले दिनों इटकी प्रखंड के कई गांवों के किसानों को बेहतर खेती के गुर सिखाने के उद्देश्य से एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम सह किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर कृषि विशेषज्ञ अनुसंधान केंद्र पलांडू के धनंजय कुमार ने बताया, किसानों को जो है कि वर्षा जल का संग्रहण कैसे करें, बेमौसमी एवं आघात खेती कैसे करें, बिचड़ा उत्पादन की नई तकनीकी प्रोट्रे में प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा उत्पादन कैसे करें, उसके साथ साथ महिला किसानों को मशरूम का खेती, बीज उत्पादन के बारे में जो है विस्तृत रूप से उनको जानकारी दिया गया। अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 32.5 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर 23.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33.4 डिग्री सेल्सियस। अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1,850 रुपए से 2,060 रुपए, चावल मध्यम 2,025 रुपए से 2,175 रुपए, चावल उत्तम 2,275 रुपए से 2,580 रुपए, गेहूँ 1,440 रुपए से 1,550 रुपए, चना 4,950 रुपए से 5,175 रुपए, दाल अरहर 6,100 रुपए से 7,100 रुपए, दाल मसूर 4,100 रुपए से 4,600 रुपए, दाल चना 5,850 रुपए से 6,250 रुपए, सरसों तेल 10,150 रुपए से 10,300 रुपए, चीनी 3,625 रुपए से 3,730 रुपए, आलू 1,250 रुपए से 1,350 रुपए और प्याज 940 रुपए से लेकर 1,040 रुपया प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसमें आपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल की, साथ ही आपने जाना मंडियों में अनाजों का भाव क्या रहेगा, नई नई तकनीकों के बारे में भी जाना। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियां हैं शेष, लेकिन पहले ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक दलहनी फसल के बारे में, क्यों मास्टर जी? बिल्कुल, अल्पना जी बता रही हैं कि दलहनी फसल के बारे किसान भाइयों को जानकारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि दलहनी फसल की श्रेणी में एक ऐसे दाल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आप जानते हैं, स्वाद भी लेते हैं और उससे स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होता है। किसान भाइयों, अल्पना जी आज बात कर रही हैं अरहर की खेती। जी बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आप अरहर की खेती कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अरहर की खेती कैसे करें, इसमें किस तरह के खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें, साथ ही साथ निकाई गुड़ाई कब हो और बाकी और बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो आइए आज के कार्यक्रम में इसी बात की जानकारी हासिल करें। जी, और इस बारे में आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर PK सिंह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ, किसानों को भी जोहार, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि अरहर की खेती में जो कीट है वो क्यों लगते हैं? देखिए, कीट का एक स्वभाव होता है कि कीट बहुत अगर छुपे रहते हैं, जमीन में छुपे रहते हैं, जो हमारे अवशेष हैं उसमें छिपे रहते हैं, दूसरे पौधे पर छिपे रहते हैं। जब वो कीट को जो मिलता है पौधा, खास करके उनका एक स्वभाव होता है, तो वो आ करके पर्टिकुलरली वैरायटी में आ करके वो नुकसान करते हैं और खाते हैं और इस प्रकार हमारे काफ़ी नुकसान करते हैं। और हमारे किसान भाई खास करके रहड़ में बहुत महंगा बीज लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, खाद डालते हैं और कई तरह का साधन करते हैं, और अगर वो सब करने के बावजूद भी अगर वो कीट का प्रबंध नहीं करें तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है, सारा मेहनत बेकार हो जाता है और किसान को बहुत ही कम मूल्य मिलता है अगर कीट प्रबंधन नहीं किया जाए, खास करके अरहर में और हमारे राज्य में। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि कीट क्यों लगते हैं, अब डॉक्टर साहब से हम ये भी जान लें कि अरहर की खेती में किस प्रकार के कीट लगते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कौन-कौन से। खास करके अरहर में मुख्यतः 3 प्रकार के कीट लगते हैं, जो कीट लगते हैं उनको 3 तरह से हम लोग बांट सकते हैं। ये कीड़े ऐसे होते हैं जो कि जमीन में रहते हैं, भूमि में रहते हैं और भूमि में रह करके वो जड़ों को काट देते हैं और उससे काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। जब पौधा बड़ा होता है खास करके, तो उस समय कुछ कीड़े ऐसे हैं जो आकर के पत्तियों को खाते हैं और कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो कि पत्तियों को मोड़ देते हैं। मोड़ देने के उपरांत ये होता है कि पत्तियों से ही पौधे सांस लेते हैं, अपना भोजन बनाती है, उस वजह से उनसे काफ़ी नुकसान होता है, उससे भी नुकसान होता है। और तीसरा जो यहाँ पर खास करके मुख्य कीड़ा लगता है, जैसे ही फूल बनने लगता है तो फल छेदक समूह के कीड़े, इसमें कई तरह के कीड़े हैं, 4-5 तरह के कीड़े हैं जो कि फूलों को पहले खाते हैं और जैसे फल बनता है फिर उसको खाते हैं और खा करके फिर उसको नुकसान कर देते हैं। इस तरह से काफ़ी नुकसान होता है, खास करके फल छेदक समूह के कीड़े जो हैं काफ़ी नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के कीड़े लगते हैं, भूमि में रहने वाले, पत्ते खाने वाले और फल फूल को खाने वाले कीड़े, 3 प्रकार के कीड़े रह करके काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो देखा डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 तरह के कीड़े होते हैं, तो आइए जब कीड़ों का वर्गीकरण हमने कर ही लिया है तो सबसे पहले ये जान लें कि जो भूमि में लगने वाले कीड़े होते हैं वो कौन से होते हैं और उनका उपचार कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर झारखंड राज्य में मुख्यतः जो किसान है ऊपरी भूमि में रहर की खेती करते हैं और ऊपरी भूमि में खास करके लाल भूमि होती है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है दीमक का, और ख़ास करके वहाँ होता है जहाँ वर्षा कभी कभी बीच बीच में रुक जाती है, तो वो दीमक जो है काफ़ी नुकसान करता है पौधों को, वो भूमि के जड़ों को काट देता है और काटने के बाद पौधे सूख जाते हैं। अगर किसान भाई देखेंगे भी तो वो उसके पौधे पर वो अपना मिट्टी का घर भी बना लेते हैं और उसी में रह के खाते हैं। इस तरह से दीमक जो है काफ़ी नुकसान कर देता है और ख़ास करके जब एक पौधा ही पूरा मर जाए तो उससे पूरा
उपज ही खत्म हो जाता है उस पौधे से और पौधों की संख्या कम हो जाती है और इससे काफ़ी उपज कम जाती है। और खास करके इस समय ये कीड़े में खास करके दीमक का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। और जब भूमि में जब दीमक रहता है तो उसके नुकसान उसके उपचार करने के दो तरीके हैं, क्योंकि भूमि में हम बहुत सारा दवा डाल सकते हैं और तो दिक्कत है, तो इसलिए उसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है जो अभी के समय में किसान भाई ये करें। खास करके एक दवा आती है क्लोरपाइरीफॉस, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में, अर्थात कहने का मतलब है अगर 15 लीटर का टीना है तो उसमें 15 मिलीलीटर दवा मिला लें। और किसान भाई नापने के लिए बहुत अच्छा है, एक ढक्कन जो होता है उसमें करीब 5 ml दवा आता है, उसको मिला करके उसका ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग का मतलब ये है कि पौधों पर छिड़काव नहीं करना है, उसके जड़ों के पास उसका छिड़काव कर देना है, तो इससे दीमक खत्म हो जाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दीमक के नियंत्रण के लिए कि जब किसान भाई खेती करते हैं तो उस समय अपने खेतों को साफ रखें, क्योंकि जो कच्चा बच्चा पौधा होता है खरपतवार होता है ना, वो दीमक का भोजन होता है। और खासकर किसान भाई जब कंपोस्ट की खाद डालते हैं तो अच्छी सड़ी खाद डालें, कच्चा गोबर जो है वो दीमक का भोजन है, तो इससे बचें। तो ये अगर हम लोग करते हैं, खेतों को साफ रखते हैं और अच्छा कंपोस्ट डालते हैं, तो उससे भी दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। जी किसान भाइयों, पौधों की जड़ों में जो कीड़े लगते हैं उसके बारे में तो आपको जानकारी मिल चुकी है, तो आइए अब जान लें कि कौन से कीड़े किस वक्त और किस अवस्था में लगते हैं, उसके बारे में भी हमारे डॉक्टर साहब हमें बता दें। डॉक्टर साहब आप हमें बताएं। देखिए दीमक तो कभी भी लग जाता है, हाँ, और दूसरी बात है कि अगर भूमि बीज उपचार करके हम लोग लगाएंगे तो दीमक नहीं लगेगा। और दूसरी बात अवस्था की है तो पत्ते खाने वाले कीड़े जो हैं खास करके ये अगस्त और सितंबर में आते हैं, जो अभी के समय में हैं दो तरह के पत्ते खाने वाले कीड़े आ रहे हैं। जब पत्ते में एक तो है कि कीड़ा जो है पत्तों को बांध देता है और बांध के उसके अंदर में रहता है, और कभी कभी किसान भाई देखेंगे जब कि उसमें एक थूकनुमा फेन जैसा छोड़ देता है, तो वो कीट का स्वभाव होता है, वो अपने अंडे को बच्चों को बचाने के लिए उस तरह करता है। और दूसरा अभी के समय में जो होता है एक भुआ पिल्लू होता है, रुएदार पिल्लू, वो भी आ करके पत्तों को खा जाता है और काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो वर्तमान के समय में जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ है मतलब वनस्पति की अवस्था है पौधों की रहर की, उसमें पत्ते को खाने वाले कीड़े और पत्ते को बांधने वाले कीड़े अभी आ रहे हैं खेतों में हमारे। तो देखा डॉक्टर साहब ने हमें समय और अवस्था भी बता दी, तो आइए अब जाने कि पत्तों में और फलों में, खास करके जब आपके अरहर आ जाएंगे पेड़ में तब कौन कौन से कीड़े लगेंगे और आपको क्या क्या उपाय करने हैं। देखिए अभी के समय में खास करके पत्ते खाने वाले कीड़े आ रहे हैं, पत्ते बांधने वाले कीड़े आ रहे हैं, तो किसान भाई ऐसा है कि खास करके भी बहुत जल्दी दवा नहीं डालना चाहिए खेतों में, क्योंकि दवा डालना एक महंगा ही पड़ता है और हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है। अगर आप देखें कि खेत में पत्ते बांधने वाले कीड़े आ गए हैं तो कम है तो उसको किसान भाई हाथ से तोड़ करके उसको अपने ज़मीन में गाड़ दें। ऐसा करने से ये होगा कि कीड़े की जो पीढ़ी है अगली पीढ़ी नहीं आएगी, वो समाप्त हो जाएगी। अगर बहुत ही ज़्यादा लग गया है खेतों में कीड़ा ऐसा दिख रहे हैं और किसान के पास समय नहीं है और ये हाथ से तोड़ करके उस मैंने नुकसान हुए पौधों को वो ज़मीन में नहीं गाड़ सकते हैं, तो एक दवा आती है क्यूनलफॉस, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के बना लें सोल्यूशन और उसका छिड़काव करें। और अभी के समय में छिड़काव करते समय ये बात हमें ध्यान रखना है कि वर्षा हो जाती है, कभी कभी किसान भाई दवा डाल ले और बारिश हो गई तो दवा धुल जाता है और उतना असरकारक नहीं रहता है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाई एक टीपॉल मिलता है बाजार में, अगर किसी के पास टीपॉल नहीं मिलता है तो गांव में एक सस्ता वाला शैम्पू ही मिलता है, वो भी नहीं मिला तो एक सरफ होता है, जब कोई भी आप सोल्यूशन बनाएं तो उसमें थोड़ा सा सरफ डाल दें या सस्ता वाला शैम्पू डाल दें, एक बूंद डाल दें, और यहीं तो टीपॉल जो होती है उसकी 0.5 ml 1 लीटर पानी में डाला जाता है, तो उसको डाल करके तो उसके बाद उस घोल में दवा के साथ मिलाकर उसको छिड़काव करें। ऐसा करने से ये होता है कि जो दवा जो होती है पत्तियों से चपकी रहती है और चपके रहने से उसका असर काफ़ी देर तक रहता है और वर्षा हो जाने के बाद भी उसका प्रभाव उतना समाप्त नहीं होता है, तो ये काम जरूर करें। अभी जैसे रहड़ अभी बढ़ रहा है और 1-1.5 महीने के बाद रहड़ों में फूल आएगा, फूल आने के बाद एक फल बनेगा, और तो उस समय जो है फल छेदक समूह के कीड़े काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। तो आप उस समय किसान भाई अभी क्या करें, जब किसान के खेत में 50% तक फूल निकल गया है रहड़ का, तो एक इंडाक्सो कार्ब दवा आती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में मिला लें और मिलाने के उपरांत उसका जरूर छिड़काव करें। इससे यह होगा कि फल छेदक समूह के और फूल खाने वाले कीड़े का बहुत ही अच्छा नियंत्रण हो जाएगा और किसान भाई को काफ़ी लाभ होगा। ये काम को जरूर करें और इस दवा को 15 दिन के बाद पुनः रिपीट कर दें, दोहरा दें, क्योंकि वो कीड़े जो होते हैं फल को छेद करके खा जाते हैं, दाने को खा जाते हैं, जिससे किसान की बहुत आर्थिक हानि होती है। और यहाँ हम लोग देखें अगर उसका नियंत्रण नहीं करते हैं उस अवस्था में तो 70% तक नुकसान हो जाता है, तो ये करना बहुत जरूरी है। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 जी
किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के। हर दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है? अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि अरहर की खेती के लिए कौन सी बातें जरूरी है और कौन सी सावधानियां मुफीद हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि सफलता तब मिल सकती है जब हम मेहनत करें, और मेहनत कश लोगों के लिए सफलता कोई बड़ी बात नहीं है जी। और इसी श्रेणी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक किसान ऐसा भी। तो किसान भाइयों, एक किसान ऐसा भी के तहत एक किसान भाई से आप मिलिए और जानिए कि उन्होंने किस तरह से खेतीबाड़ी का काम आगे बढ़ाया है और किस तरह से उन्हें सफलता मिली है। जी बिल्कुल, और मिलते हैं। किसान भाई कौन है? जी हमारे किसान भाई हैं प्रमोद कुमार। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमकॉम है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हम 8 वर्षों तक कृषि 8 वर्षों तक सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षण कार्य किया। उसके पास पश्चात मुझे लगा कि और कुछ करना चाहिए, तब शिक्षण कार्य छोड़ करके स्वयं अपना एक विद्यालय खोला, और विद्यालय खोलने के पश्चात कृषि कार्य से जुड़ गया। कृषि कार्य को ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसके लिए हम वानिकी शोध संस्थान ICR पलांडू गए और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सब्जी, विभिन्न प्रकार की सब्जी जैसे टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, भिंडी, इस तरह का डेमो किया, और डेमो करने के पश्चात आज उसको हम अच्छा तरह से करते हैं। आज कृषि के साथ साथ जलछाजन के कार्यों से जुड़ा हूँ। पिछले 2 वर्षों से जलछाजन का कार्य कर रहा हूँ, जिसमें ऊपर में CCT, कंटूर ट्रेंचिंग, नाला बंद, गैबियन स्ट्रक्चर, डोभा, छोटे छोटे जल कैसे रोकें उसका व्यवस्था, उसका प्रबंध किए हैं। उसके पश्चात लेवलीहुड के तहत गाँव में मुर्गी पालन का प्रशिक्षण, सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण, मशरूम पालन का प्रशिक्षण, लोगों को स्वच्छ जल की उपलब्धता, इसके तहत वेल रेनोवेशन के कई कार्य किए हैं। आज अपना गांव को सचमुच हम कृषि के क्षेत्र में हम लोग मिल करके एक नया परिवर्तन किया, और कई गांव के लोगों को अनाज खाने के लिए पूरा नहीं होता था, लेकिन आज हम लोग जो एसराय श्री विधि का तकनीकी गांव में लागू कराया, आज गांव के लोगों को खाने के अतिरिक्त धान होता है। और श्री विधि के माध्यम से मैं भी शुरू में डेमो किया, लेकिन थोड़ा कम में किया था, लेकिन आज के डेट में मेरा 1 एकड़ में श्री विधि का धान है और बहुत सुंदर से होता है। उसका वीडर मशीन चला, जितना भी ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट को पूरा अपना करके जब उत्पादन करते हैं तो 2 गुना उत्पादन होता है। आने वाला दिन में हम लोग को कृषि के क्षेत्र में हम किसान बंधुओं को कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग मेहनत करके एक एक चीज़ का जहाँ समझ में नहीं आता है उसको जो एक्सपर्ट हैं या हम लोग जो किसान भाई हैं उनके साथ मिल करके अच्छा कृषि करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक नौकरी से कम नहीं है। कोनो वीटर के बारे में आप किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे? आप अच्छी तरह किसान भाई को जानकारी दें। कोनो वीटर श्री विधि के लिए, खास करके श्री विधि धान के लिए एक बहुत अच्छा उपकरण है, क्योंकि यह उपकरण के माध्यम से
जो घास होता है घास को जैसे ही हम कोनो बिडर को चलाते हैं घास मिट्टी के साथ मिल करके घास को उखाड़ देता है, साथ ही साथ घास को सड़ा करके खाद के रूप में बदल देता है। तो इसलिए कोनो बिडर एक बहुत अच्छा उपकरण है, साथ ही साथ इसका टिलर्स बढ़ने में मिट्टी को हल्का करता है तो उसका जो टिल्स बढ़ता है किलाएँ बढ़ती हैं वह ऊपर बढ़ने में उसको बहुत सहयोग मिलता है। और कुछ ऐसी तकनीकी है जो आप किसान भाई को इसके अतिरिक्त कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को हम यही और कहना चाहेंगे कि आज फर्टिलाइज़र खास करके यूरिया डीएपी पोटास इसका बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं जिसका इम्पेक्ट हो रहा है कि भूमि खराब होते चला जा रहा है। तो हम लोग जो विधि अपनाए हैं उसमें खास करके बर्नी कंपोस्ट या जो अपना से खाद तैयार करते हैं गोबर खाद और उसके माध्यम से जैसे खर पतवार का जो घास तैयार करते हैं उसका उपयोग करने से खेत भी सुरक्षित रहेगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो देखा ना किसान भाइयों, हमारे एक सफल किसान जो है प्रमोद जी, जिन्होंने पढ़ाई के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में जुड़कर एक से एक तकनीकी चीज़ों को अपनाकर खासकर रोजगार उन्मुखी शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, किसान भाइयों आपको भी देता हूं, नमस्कार जोहर। किसान भाइयों, खेती बाड़ी के साथ मौसम के मिजाज का अन्योन्याश्रय संबंध है, इसलिए हम इस कार्यक्रम में आपको मौसम के मिजाज के बारे जरूर जानकारी देते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम में भी देखते हैं मौसम का मिजाज हमारे राज्य में कैसा रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुछ क्षेत्रों में आकाश साफ रहेगा, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज्वार फसल की कटनी फूल निकलने के 35 से 40 दिनों के बाद बाल के पकने पर किया जाना चाहिए। बालों को 2 से 3 दिनों तक धूप में अच्छी तरह सुखाकर इसके दाने को बाली से छुड़ाकर अलग कर लें। मास्टर जी, बहुत सारी जानकारियां हो गई आज, अब शायद चलने का समय आ गया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि तमाम जानकारियां खेतों से खलिहानों से लेकर आए, इसलिए हम वैज्ञानिकों की सलाह देते हैं आपको, हम किसानों से मिलवाते हैं। जी बिल्कुल, हम अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन हमें ज़रूरत होती है आपके सुझावों की। बिल्कुल, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा पता नोट करें और लिख भेजें हम तक पत्र। तो हमारा पता है, बिल्कुल हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। किसान भाइयों, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आपके घरों में खुशहाली हो, आपके खेतों में हरियाली हो, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी मास्टर जी को और अल्पना जी को दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।